कटिहार जिले में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। 15 फरवरी को स्कूल में दोस्तों के साथ मिलकर किया था फायरिंग। हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी न्यूज, मैं हूं सुमन शर्मा। कटिहार जिला के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना ओपी थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों सिरफिरे युवक की करतूत के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहाँ गन फैक्ट्री से अर्धनिर्मित हथियार एवं एक दर्जन से अधिक हथियार और कारतूस बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस मिनीगन फैक्ट्री का बड़ा उद्भेदन हुआ है, जहां कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को रोशना ओपी थाना क्षेत्र के गायंदा उच्च विद्यालय के सामने बुलेट पर सवार 3 युवक हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उक्त घटना की सूचना मिलते ही खदेड़ कर एक आरोपी को पकड़ा, जबकि 2 अन्य युवक भागने में सफल रहा। वहीं पुलिसिया तफ्तीश में युवक ने अपना नाम गणेश चौधरी बताया है। साथ ही पकड़े गए युवक से कड़ाई से पूछताछ पर युवक ने बताया कि उनके घर में ही पिता द्वारा हथियार बनाने का कार्य किया जाता है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर कटिहार पुलिस ने छापामारी करते हुए एलिवेस्टर निर्मित कमरे से मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। वहीं कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक के पास से देसी कट्टा, बुलेट, मोटरसाइकिल, मिनी गन फैक्ट्री से कई अर्ध निर्मित हथियार और हथियार बनने में कई छोटी बड़ी मशीन बरामद की गई है। फिलहाल गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में कटिहार भेज दिया गया है, जबकि 2 अन्य युवक की गिरफ्तारी के लिए कटिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल 15/2/24 को अचानक पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली कि रोशना थाना अंतर्गत ओपी अंतर्गत जो है कि एक स्कूल के बाहर 3 अपराधकर्मी फायर करके और बुलेट से भाग रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है रोशना ओपी अध्यक्ष को सूचित किया गया और इस सूचना पर ओपी अध्यक्ष तत्काल वहां से अपने पुलिस बल के साथ जो है कि घटनास्थल की ओर रवाना हो गए और खदेड़ते हुए उस 3 भाग रहे में से एक को उन्होंने खदेड़ करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र मिला और गोली मिली। फिर वो जो है कि अन्य 2 जो भाग रहे थे उन दोनों को खदेड़ते हुए वे पकड़ाए हुए अपराधी के घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि तलाशी के क्रम में उन्होंने देखा कि उनके घर में अवैध हथियार बनाने का एक पूरा जखीरा, इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना जखीरा वहाँ पे है। उन सबों को सीज किया और जो है कि फिर इनको विधिवत गिरफ्तार करके ये ले आए। ये सब बात कहाँ से उठी? जो बात है वो भाई है, लड़की का भाई है। हाँ, घटना के बैकग्राउंड में बात ये है कि ये जो पकड़ा है वह अभियुक्त है, वह उसकी बहन और एक लड़का, दोनों क्लास स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र छात्रा हैं। दोनों के बीच में आपसी कुछ कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी में जो है जो पकड़ाया हुआ अपराधी है उसकी बहन घर जा कर के अपने भाई को कहती है। उसी आवेश में आकर उसका भाई जो अभियुक्त है, गिरफ्तार अभियुक्त गणेश चौधरी, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, पिता शंकर चौधरी, वो अपने 2-3 मित्रों को लेकर के स्कूल पर पहुँचते हैं उस लड़के को ढूंढते हुए, और दहशत फैलाने के लिए जो है कि उन्होंने हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करके वो वहाँ से भाग निकल रहे थे। और लोग गिरफ्तार एक अभी अभी सूचना मिली है कि एक और को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो है कि एक तो जो है कि आपने एक देखा कि अवैध कट्टा था, देशी कट्टा जिसको कहते हैं, एक बड़ा सा लगभग 18 इंच बैरल वाला एक हथियार था, गोली मिली हुई है, जिंदा गोली मिली हुई है, और फिर एक काला रंग का जो है रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल मिला है, जिसका नंबर BR39P9761 है, और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल है जो उसके पास गिरफ्तार अपराधी के पास से मिला है। बाकी जो है कि जो अग्नियास्त्र को बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, उसके बाद जाकर के कई एक जो है कि बैरल्स मिले हैं, कई एक जो है उसके और भी 7 बैरल्स मिले हैं, अर्धनिर्मित टुकड़ा बॉडी जो कट्टा बनाते हैं उसका बॉडी का 7 अर्धनिर्मित टुकड़ा भी मिला हुआ है, 2 पीस कट्टा के बॉडी में लगने वाला स्प्रिंट
लगा मिला हुआ है, स्प्रिंग्स मिले हुए हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें मिली है जिसके हाँ कुछ ये जो है कि वो भरवा गोली जो चलता है ना बारूद को भर करके गोली बनाने का, उसका भी वहाँ पर हम लोग को मिला है। आगे अनुसंधान चल रहा है और बाकी वहाँ क्या सच है। ये लोग खुद बनाते थे कि बाहर से भी नहीं, यहाँ तो जो जितना भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोकल लेवल पर जो है ना कि वो ये अनुसंधान में अभी तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको भी लाया जाएगा। छात्रा के साथ किसी दिन बात शुरू की हुई थी क्या स्कूल में? नहीं बिल्कुल नहीं, आपस में कहा सुनी हुई थी, इसका भी अनुसंधान चल रहा है, छात्रा के द्वारा भी लिखित आवेदन दिया गया है जिसपे प्राथमिकी दर्ज, चूंकि दोनों ही नाबालिग हैं तो उसके आलोक में जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो की जा रही है। इससे पहले भी सरकार वो अनुसंधान किया जा रहा है, अभी पता लगवा रहे हैं हम लोग सभी जगह से कि क्या इनका या इनके परिवार के, चूंकि घर में हो रहा था तो इनका या इनके परिवार के किसी सदस्य का कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या सर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मध्य की कोई गलत है? अभी अनुसंधान का विषय है, अभी ये देखते हैं कि चूँकि आपने देखा ही है कि कितना जो हथियार बनाने के जो इक्विपमेंट्स थे उसको देख करके ऐसा नहीं, लेकिन बन रहा है तो हम लोग जाँच कर रहे हैं इसकी, इसका तार क्या कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ और क्या क्या है इसमें।